गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं डर्मो रोलर के बारे में। और ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि डर्मा रोलर है वो स्कार्स को फेड अवे करने के लिए, आपके पिंपल्स के मार्क्स को कम करने के लिए, या आपको चेचक के गड्ढे हो गए उनको ख़त्म करने के लिए, फाइन लाइंस को दूर करने के लिए, रिंकल्स को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब इसका चलन कुछ ज़्यादा हो गया है। यूट्यूब के जरिए लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में जाना है। तो आइए जानते हैं कि डर्मा रोलर क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग ये कई तरीके की पैकेजिंग के साथ अवेलेबल होता है और ये हमेशा अपने केस के अंदर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के केस के अंदर आएगा और आपको ये जब खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारी नीडल्स हैं और ये जो नीडल्स है यही काम करती हैं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सारी बातें जान लेना जरूरी है। और डर्मो रोलर खरीदने से पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डर्मो रोलर खरीदने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डर्मो रोलर की जो नीडल है वो किस तरीके की लेनी चाहिए। डर्मोरोलर की नीडल जो होती है वो बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होती है, 0.20 mm से लेकर के ये 3 mm तक की आती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो नीडल्स है वो हर नीडल हर एक चीज़ के लिए, स्कार्स के लिए अलग है, या फिर अगर आप अपना डर्मोरोल घर यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 0.5 mm से स्टार्ट करें और 1.0 mm तक डर्मोरोलर तक जाएं। इसके अलावा आप कोई भी डर्मोरोलर यूज़ ना करें क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग आप 0.5 mm से ही करें और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी नीडल्स है। इसके अंदर भी नीडल्स का अपना काम होता है, 540 के करीब इसमें नीडल्स आती है, छोटी छोटी नीडल्स होती है। डेफिनेटली ये आपके जो चेहरे पर ये पिंच करती है। अब बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलेगा और ये जो रोलर है ये बार बार ऐसे घूमता है, यानी ये बिल्कुल स्मूथली आपके स्किन पर ग्लाइड हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इसको ग्लाइड करने में। इसको यूज़ कैसे करना है ये अभी हम थोड़ी देर में जाने। डर्मो रोलर क्यों बेहतरीन है स्किन के स्कार्स को दूर करने के लिए, या फिर किसी तरीके के जो मार्क्स हैं उनको कम करने के लिए, फाइन लाइंस को दूर करने के लिए, तो इसका जो साइंस है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमें कोई भी कट या निशान लग जाता है तो हमारा शरीर छोटी मोटी निशान को खुद ही हील करने में सक्षम होता है। अगर हमको यहाँ पर कट लग गया है तो शरीर उसके अनुसार ब्लड को रोक देगा, साथ ही साथ सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है और जो नई स्किन होती है वो आ जाती है। इसी तरीके से इसी साइंस पर डर्मो रोल भी काम करता है। जैसे आपके यहाँ पे स्कार्स थे, पिंपल्स थे पहले, उसके अंदर पस हुआ, वो निकला, उसके बाद वहाँ पर स्कार छोड़ गया, यानी उस जख्म को ठीक करने तक का शरीर ने अपना काम निभा दिया, लेकिन वो दाग खत्म करने के लिए वो वापस से वो सारे प्रोसीजर वहाँ पर नहीं हुई, तो स्किन की कोलेजन वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर कोलेजन को मेंटेन करने के लिए डर्मो रोलर यूज़ किया जाता है। जैसे आप इसको स्किन पर ऐसे घुमाएंगे तो ये जो निडल होती है ये वापस से वहाँ पर चुभेंगी तो दिमाग को, अपने माइंड को सेंसर मिलेंगे कि यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। तो जो जो सारे प्रोसीजर कट के अंदर अपने शरीर ने वहाँ पर लगाई थी, वो सारी जो क्षमता शक्ति है वो यहाँ पर शरीर हमारा लगाना स्टार्ट कर देगा। नीडल्स हम चुहाएंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर वो हील करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसको हील करेगा आपकी फाइन लाइंस कम हो जाएंगी, आपके स्कार्स कम हो जाएंगे। कभी भी डर्मो रोलर को एक्टिव पिम्पल्स के ऊपर नहीं ट्राई करना है। कैसे इसको यूज़ कर लेना है आज आइए वो जानते हैं। पहले डर्मो रोलर यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को करना है स्ट्रेच और इसको हम 3 डायरेक्शन के अंदर चलाएंगे। फर्स्ट ऊपर की तरफ, सेकंड साइड में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साइड में ऐसे चलाएंगे हम इसको। इससे ज़्यादा नहीं चलाना है, एक बार 5 बार चलाएं, दूसरी बार 5 बार चलाएं, फिर तीसरी बार 5 बार चलाएं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम प्रेशर के साथ इसको चलाना है, ना ही हार्श रहना है, ना ही रहना है बहुत ज़्यादा स्लो। और इसको हम पैचेस में करेंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एक साथ पूरे फेस को कवर नहीं करना है। नोज के एरिया के लिए डर्मो रोलर अलग से आता है वो। अच्छा, अब यूज़ करने से पहले इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डर्मोरोलर को यूज करने से पहले आप इसको सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी नया है तो आप इसको डेफिनेटली ऐसे यूज कर सकते हैं। डर्मोरोलर में एक चीज और मैं बताना भूल गई आप लोगों को कि जब भी आप इसको लें तो इसकी ब्लेड जो होती है वो टाइटेनियम की होती है। प्लीज ध्यान करें, चेक करें कि जो सर्जिकल जो मेटल आता है वो निकेल होता है, उससे नहीं, ये टाइटेनियम से होता है, जो ज्यादा सेफर होता है, ज्यादा महंगा होता है। तो डर्मोरोल खरीदने से पहले ये जरूर ध्यान दें इसकी जो निडल्स है वो टाइटेनियम होनी चाहिए। और आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, यानी तकरीबन आप इसको ज्यादा नहीं तो अगर आपने सस्ता डर्मो रोलर लिया है तकरीबन 150-200 रुपए का, तो आप उसको 5 से 6 बार यूज कर सकते हैं और उसको सैनिटाइज करें हर बार यूज करने के बाद और सेफ तरीके से इसके केस में डाल दें। जैसे कि मैं आपको उसका केस दिखाने वाली हूँ, ये बिल्कुल भी जो डर्मो रोलर की निडल है वो केस को बिल्कुल भी हिट नहीं करती, यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देगा ये, और इस तरीके के केस के अंदर ही आता है और इसके अंदर वापस इसको फिक्स कर दें। डर्मोरोलर कब कब यूज़ करना है ये मैं आपको बता दूं, वीक में सिर्फ एक बार डर्मोरोलर यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कार्स है तो वीक में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन 2 बार ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। 15 दिन में एक बार कर लें, जिनको फाइन लाइन्स की शिकायत है, अगर जिनको मार्क्स की शिकायत है वो वीक में एक बार डर्मोरोल जरूर करें, इसी से आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एंड में आप लोगों के लिए गिव अवे है, अगर इस वीडियो को मिलेंगे 1000 लाइक्स और 1 लाख व्यू तभी मैं ये डर्मो रोल आप लोगों को दूंगी। मेरे ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। क्या करना है आपको, मेरी वीडियोस देखनी है, जिस दिन 1 लाख इसके व्यू पूरे हो जाएंगे ये डर्मो रोल मैं आप लोगों को दे दूंगी। और हाँ, इस डर्मो रोल को लेने के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपको ये जो डर्मो रोल है वो तभी मिलेगा जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक सेंड करेंगे कि आपको ये डर्मो रोल क्यों चाहिए। मैं चाहती हूँ कि किसी यूज करने वाले बंदे को ही ये मिले या बंदी को मिले, अगर लड़का भी है तो उसको बहुत ज्यादा स्कार जो प्रॉब्लम है दाग धब्बों की, चेचक के दाग नहीं गए हैं, तो ही मैं उनको ये दूंगी। मैं ऐसे ही किसी को कमेंट के बेस पर ये डर्मो रोल नहीं देने वाली हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, बाय, जय हिंद।